जी हाँ इसरा, जैसा कि आप टीवी पे अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ लंगटे उघाड़े पहुंच गए हैं नदी किनारे और एक मुटका आ गया है मुटका बोल गया और बाप के पैसा के खाई हो भक्त साला यहाँ से। नमस्कार फनकर्मियों, स्वागत है आप सभी का फनी न्यूज ब्लूपर्स पार्ट 3 में। तो जहां हम एक तरफ कोरोना का रोना झेली रहे थे कि पता नहीं कहां से अचानक ये ब्लैक एंड व्हाइट फंगस पैदा हो, लेकिन इन सब से भी खतरनाक एक चीज है, वो है सस्ता नशा। रामचंद्र अग्रवाल जी गया और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। क्या बोला? उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। तो पता नहीं कौन सा सफेद आटा सुनकर ऐसा बयानबाजी देते। तो न्यूज रिपोर्टिंग का काम भी काफी खतरनाक होता है, जोखिम भरा होता है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि आपका पाला किससे पड़ने वाला। सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? हाँ सर, हेलो, अरे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? बोलिए यार, क्या मतलब? अगला दिन बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। और लॉकडाउन होने के कारण लोग अपने घरों में रहने पर मजबूर है, लेकिन किसी कारणवश अगर वो बाहर पकड़े जाए तो उनका जवाब भी लाजवाब होता है। क्योंकि अभी तेज हवा चल रहा है, उसके साथ तूफानी आने वाला है, तो आप घर से क्यों निकले? अरे आप तो निकले हैं ना, आप निकले इसलिए तो हम निकले ना, हम लोग तो खबर दिखा रहे हैं ना, इसलिए हम नहीं निकले तो आप किसको दिखाएंगे? और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल में टीवी और सोशल मीडिया पर सिर्फ कोरोना का रोना ही चल रहा है, लेकिन कुछ न्यूज रिपोर्टर्स काफी तेजस्वी भी होते हैं। Bring in the studio this morning one of the gay rights activists, Mr. Should I call you Mr. Pepe Julian Onzima? Thank you for coming in. Thank you for good morning. Me. Morning to you. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. बड़ा हरामी हो बेटा। और कभी कभार हमें टीवी पर अजीबो गरीब न्यूज भी देखने को मिलता है। पत्नी ने किया किस और काट ली पति की जीभ। रोमांस का तरीका पसंद ना आने पर पति की जीभ काटी। दरवाजे पीटने की आवाज आई, मैं लात के ऊपर गया, देखा तो लड़के की जीभ कटी। देश संकट में है। और कहते हैं कि चोर लोग काफी प्रोफेशनल होते हैं अपने काम में, लेकिन वहीं हमें कुछ इसका उल्टा देखने को मिला। वारदात करने वाले चोर ने सीसीटीवी कैमरे को मुंह चढ़ाया और एटीएम में फंसा हुआ कार्ड निकालकर फरार हो गया। देखिए हसाम अहमद की रिपोर्ट। बस भाई, आज के समाचार को यही करते हैं खत्म। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लेकिन ऐसे ही मत चले जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड आई विल सी यू गाइस रियल सून। अरे चिंटू चल, अपन भी न्यूज देखते हैं। Es fällt Schnee bis in die Niederungen, örtlich besteht Glatteisgefahr. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।